इस क्वेश्चन में कह रहा है फिबोनाची नंबर्स टेक 10 नंबर्स एज शोन बिलो. ये सारे नंबर्स ले रखे हैं, ए बी ए प्लस बी ए प्लस टू बी, 2a plus 3b, 3a plus 5b, 5a plus 8b, 8a plus 13b, 13a plus 21b and 21a plus 34b. Sum of all these numbers is equals to, जो इन सारे numbers का sum किया जाए तो वो किसके equal है, 11 into 5a plus 8b के equal है, या हम कह सकते हैं 11 into 7th number. तो 7th number कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इस number को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन सब का सम निकल जाएगा. तो ये कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं. अगर हम सम निकालेंगे इन सारे नंबर्स का तो 11 इंटू 7th नंबर जो ये वाला है वो करेंगे तो हमारे को सम पता चल जाएगा. वो ये कह रहा है टेकिंग ए इक्वल्स टू 8 और ए अगर 8 लेते हैं, बी इक्वल्स टू 13 और बी की वैल्यू अगर 13 लेते हैं, राइट 10 Fibonacci numbers and verify the sum of all these numbers is equals to 11 into 7th number. तो हमें verify करना है सारे के सारे 10 numbers निकालने हैं सबसे पहले और verify करना है कि इन सब का sum क्या 11 into 7th number करेंगे उसके equal आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले numbers निकाल लेते हैं. उससे पहले ये समझ लेते हैं Fibonacci numbers क्या होते हैं. Fibonacci numbers होते हैं कि जैसे ये जो third नंबर है वो अपने पहले के दो नंबर्स का सम है. इसी तरीके से ये जो है ये इन दोनों का सम है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे b प्लस a प्लस b करेंगे तो 2b हो जाएगा. तो देखिए यही आ गया. अब ये जो नंबर है इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो ये नंबर आएगा. तो देखिए a प्लस a 2a और b प्लस 2b 3b, राइट, एंड सो ऑन. ये होते हैं फिबोनाची नंबर्स जो कि अपने अपने से पहले दो नंबर्स का सम होते हैं. अब इन सम सारे नंबर्स निकाल लेते हैं. तो पहला है ए जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ए की वैल्यू हमें 8 दे रखी है तो 8 आ गई ए की वैल्यू. नेक्स्ट है बी और बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखिए बी की वैल्यू 13 दे रखी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13. नेक्स्ट है ए प्लस बी तो ए प्लस बी तो ये कितना आ गया 8, ए की जगह 8 और बी की जगह 13 ऐड करके लिख देंगे तो ये आ गया 21. नेक्स्ट है हमारा ए प्लस टू बी तो ए है 8 प्लस 2 इंटू 13, बी की जगह 13 लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 प्लस 26 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 34 होता है. या तो ऐसे निकाल लीजिए या अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 13 प्लस 21 34 ही आएगा, राइट. अब इसी तरीके से नेक्स्ट है 2a प्लस 3b जो कितना है, अब हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इस मेथड से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 21 प्लस 34. मैं वैसे ही लिख के दिखा रही हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, ए की जगह 8 प्लस 3 बी की जगह 13. अब हम या तो 21 प्लस 34 करेंगे तो हमारा आएगा 55. इस मेथड से करेंगे तो 8 टू ज़ा 16 एंड 13 थ्री ज़ा 39 और इन दोनों को ऐड किया तो भी 55 ही आ रहा है, राइट. अब नेक्स्ट है हमारा 3a प्लस 5b तो ये कितना आ जाएगा, अब मैं डायरेक्टली इसे और इसे ऐड करके लिख रही हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ. आप चाहें तो अपनी कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं तो ये आ गया 89. अब नेक्स्ट है हमारा 5a प्लस 8b जो कितना आएगा हमारा 55 में, देखिए इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे तो 55 में 89 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 9 प्लस 5 इज़ 14 कैरी 1, 6 प्लस 8 इज़ 14, 144 आ गया. नेक्स्ट है हमारा 8a प्लस 13b जो कितना आ जाएगा हमारा
89 में 144 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 9 प्लस 4 इज 13 कैरी 1, 9 प्लस 4 इज 13 कैरी 1 एंड 2। अब नेक्स्ट निकाल देंगे, नेक्स्ट है हमारा 13A प्लस 21B, जो कितना आ जाएगा 144 में 233 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 377। और नेक्स्ट है हमारा 21A प्लस 34B, तो वो कितना आ जाएगा 233 में 377 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 3 प्लस 7 इज 10 कैरी 1, 11 कैरी 1 एंड 610। तो हमारे सारे नंबर्स निकल के आ गए हैं, राइट। उनको अब एक लाइन में लिख देती हूँ। पहला नंबर था हमारा, देखिए फर्स्ट नंबर था 8, 13, 21, 34, यहाँ पे लिख रही हूँ 8, 13, 21 एंड 34। फिर कितना था नेक्स्ट आ गया 55, 89, 144, 55, 89, 144, नेक्स्ट है 233, नेक्स्ट है 377 एंड लास्ट है हमारा 610, राइट। ये 10 नंबर्स आ गए हैं अब हमारे। अब क्या कह रहा था, सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो अगर हम सम निकालते हैं, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, अगर सम निकालेंगे तो 11 इंटू सेवेंथ टर्म करते हैं, तो 11 इंटू सेवेंथ टर्म कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेवेंथ, सेवेंथ टर्म है 144। तो अगर हम इन सब का सम अलग अलग करेंगे, मतलब एक साथ इनका सम करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके, वो दोनों आंसर सेम आने चाहिए। कौन कौन से फिर से बता रही हूँ, ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा या इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा, वो दोनों सेम आने चाहिए। तो ये बताना है कि क्या वो सेम हैं कि नहीं है। तो देखिए 11 फोर्स ऑफ 44 कैरी, 11 फोर्स ऑफ 44 48 कैरी 4, 11 वन 11 प्लस 4 इज 15। ये आ गया, अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो ये आ गया 1584। अब अगर हम सबका सम निकाल के करते हैं तो कितना आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए और सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो वो आ गया 8 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 55 प्लस 89 प्लस 144 प्लस 233 प्लस 377 प्लस 610। तो ये कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए साइड में कर रही हूँ, 8 प्लस 13 हमें पता है 21 होता है, तो 21 में 21 ऐड किया तो 42 हो गया, 42 में 34 ऐड किया तो ये आ गया 60, ये आ गया 76। अब 76 में 55 ऐड किया तो ये आ गया 1 कैरी 1 8, 8 प्लस 5 इज 13। अब 89 ऐड किया तो ये आ गया 10 कैरी 1 12 कैरी 1 2 220। अब इसमें 144 ऐड किया तो ये आ गया हमारा 4, 6 एंड 3। अब 364 में 233 ऐड किया तो ये आ गया 597। अब उसमें हमने 377 ऐड किया तो ये आ गया 7 प्लस 7 इज 14 17 9 एंड 610 ऐड किया तो ये आ गया 4, 8 एंड 15। तो ये आ गया हमारा 1584। तो ये देखिए, ये वाला आंसर भी 1584 है, ये वाला भी आंसर 1584 ही है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था,
सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स ये था 11 इंटू सेवेंथ टर्म करके, टेकिंग ए और बी की वैल्यू अगर ये लेंगे, राइट 10 फिबोनाची नंबर्स एंड वेरीफाई दैट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स किसके इक्वल है, 11 इंटू सेवेंथ टर्म के इक्वल है. तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों सम इक्वल हैं. तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, यस सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज इक्वल टू 11 इंटू सेवेंथ टर्म, सेवेंथ नंबर इंटू सेवेंथ नंबर आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.